चारधाम देवस्थानम एक्ट को हाईकोर्ट में बीजेपी नेता ने ही चुनौती दे दी है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने देवस्थानम बोर्ड एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले को वो खुद हाईकोर्ट के सामने रख रहे हैं और उनकी तरफ से ये PIL दाखिल की गई है। आज इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। त्रिवेंद्र सरकार ने गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम को देवस्थानम एक्ट के अंतर्गत शामिल कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के करीब 50 से ज्यादा मंदिरों को देवस्थानम एक्ट में शामिल किया गया है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने मेरे एक याचिका पर बिल्कुल स्पष्ट आदेश दिया कि सरकार मंदिरों को अपने हाथ में नहीं ले सकती। मंदिरों में वित्तीय गड़बड़ी है तो उसको सुधारने के लिए एक अल्पकाल के लिए उस वित्तीय जो मैनेजमेंट है उसको अपने हाथ में ले सकती है, परंतु उसको ठीक करके फिर वापस कर देना होगा। ये सरकार का काम नहीं है कि वो मंदिर चलाएं या वहाँ मस्जिद चलाएं या वहाँ चर्च चलाएं। और इसी बीच हमारे संवाददाता गौरव जोशी भी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, चारधाम देवस्थानम एक्ट को हाईकोर्ट में बीजेपी नेता ने ही चुनौती दे दी है। जी अशिमा, देखिए लंबे समय से जो देवस्थानम बोर्ड का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया गया था, इसका जो वहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं वो लंबे समय से विरोध कर रहे थे कि इस ट्रस्ट को नहीं बनाना चाहिए क्योंकि मंदिर चलाने का काम सरकार का नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने बोर्ड का गठन कर दिया था। जैसे ही बोर्ड का गठन हुआ उसके बाद भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है और राज्यसभा सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको गलत बताया था। उन्होंने भी कहा था कि जो मंदिर का संचालन करना है वो सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक आदेश भी पारित किया हुआ है कि अगर किसी मंदिर में कोई वित्तीय अनियमितता है तो उसका काम केवल सरकार कुछ समय के लिए जरूर ले सकती है अपने हाथों पर, लेकिन परमानेंट किसी मंदिर को नहीं चला सकती है। तो इन्हीं तमाम जो बिंदुओं को लेकर आज जो है सुनवाई जो होने जा रही है इसको लेकर ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। कितने बजे सुनवाई होगी और क्या कुछ पक्ष आज रखा जा सकता है इस चुनौती को लेकर? नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन जो है उनकी खंडपीठ में सुबह लगभग 10:30 से 11 के बीच में सुनवाई होगी। 4 नंबर पे ये केस लगा हुआ है, अहम सुनवाई होगी और तमाम यही बिंदु उठाए जाने हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का पहले का एक आदेश है कि सरकार किसी भी मंदिर को नहीं चला सकती है, अगर वित्तीय अनियमितता होगी तो उसको बिल्कुल सही करने के लिए सरकार इसमें बीच बचाव कर सकती है लेकिन मंदिर नहीं चला सकती, तो मेन मुख्य जो बिंदु है वो यही है। साथ ही जो तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार उनके हक और हकूकों की अनदेखी कर रही है, तो तमाम इन्हीं बिंदुओं पर आज सुनवाई होनी है। बिल्कुल, क्या सिर्फ जिनकी तरफ से चुनौती यहाँ पर दी गई है उनकी तरफ से दलीलें या फिर सरकारी वकील भी अपनी दलीलें पेश कर सकते हैं सुनवाई के दौरान? देखिए आज सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से ही पूरी याचिका, जनहित याचिका दायर की गई है और बेशक इसमें सरकारी वकील जो है वो अपना पक्ष रखेंगे, इसमें महाधिवक्ता की तरफ से पक्ष रखा जाएगा क्योंकि बहुत चर्चित यह मामला है, तो दोनों ही पक्ष इसमें आज अपनी अहम भूमिका रखेंगे। जी अतिमा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।